वालेकुम। जब बात हो बढ़िया खाने की, ऑथेंटिक मुगलाई टेस्ट की, सही रेट की और हाइजीन की, तो एक ही नाम आता है, आगरा रेस्टोरेंट इन कौसरबाग कोंडवा पुणे। रिकमेंडेशंस पे इफ्तार करने के लिए आगरा रेस्टोरेंट पर, और आप मेरे सामने देख ही रहे इतने सारे इफ्तार के आइटम्स है, और शायद से अभी टाइम भी हो गया इफ्तार ओपन करने का। तो चलो शुरू करते हैं। ये सब खाना सिर्फ हमारे लिए है, ना ना ना, ये सब आपके लिए है। ये सब आइटम्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर खाने में क्या क्या मिलता है। मेरे सामने है मुगलाई आइटम्स जैसे पहाड़ी, नवाबी, लाहौरी, क्या क्या नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे आइटम्स है, आप भी बताओ। बहुत सारे आइटम्स है, और रीजन ये आइटम्स दिखाने का ये है कि इनके वैरायटी ऑफ मेन्यू, इससे पहले आपने जो देखा वो सिर्फ और सिर्फ रमजान स्पेशल इफ्तार आइटम्स थे, तो वो सब पूरा डिश और इतने वाइड वैरायटी ऑफ इफ्तार आइटम्स थे क्या, अगर आप इफ्तारी के लिए आ रहे हो तो आप उसका जायका, उसके जायके का लुत्फ उठा सकते हो, वरना आप रेगुलर टाइम पे आ सकते हो और इतनी सारी चीजें ट्राई कर सकते हो, हर बार आपको कुछ अलग अलग मिलेगा। एंड ऑल्सो इनकी बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा टेस्टी है, कभी आइए यहाँ पे और इनका चिकन मटन बिरयानी कोरमा स्टार्टर्स ट्राई जरूर करिए। सही बात है। अभी आप क्या खाओगी? मेरा मन तो बिरयानी खाने का, बट मेरे सामने इतने सारे चिकन के स्टार्टर्स है, जैसे मलाई चिकन हो गया, पहाड़ी चिकन हो गया, अफगानी चिकन है उधर, यहाँ पे चिकन तंदूरी है, यहाँ पे चिकन टिक्का है, इतने सारे आइटम्स है, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं पहले खाऊं कौन सा। ये है इनकी सबसे फेमस चिकन बिरयानी, और ये अफगानी चिकन रियली टेंटी, बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और उसका चीज और मलाई का फ्लेवर काफी काफी अच्छे से इन्फ्यूज हुआ है, और उसका मिक्सचर काफी टेस्टी लग रहा है, रियली नाइस। अगर अभी मैं कुछ बोलने जाऊँ ना तो मेरी मम्मी 100% ऑफेंड हो जाएगी, क्योंकि ये बिरयानी मुझे जेन्युइनली मेरी मॉम की बिरयानी से ज्यादा अच्छी लग रही है, ये घर की बिरयानी से कई ज्यादा अच्छी है। क्या बात है। अगर सही में मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया, आई रियली लव दिस, लंबे लंबे जो चावल होते हैं उसका जो मसाला है ना, एकदम ये तो फिर टेस्ट करना पड़ेगा, इतना बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया है, ये तो सारी मम्मियां बढ़ जाएगी, टेस्ट करना ही पड़ेगा। गलत नहीं बोल रही हूँ ना मैं, सही में बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि जब बिरयानी रेस्टोरेंट में या घर के बाहर अच्छी मिले, परफेक्ट मिले, जैसा हमें पसंद है, बहुत रेयर होता है, और यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी बिरयानी मिल रही है, तो जो दिल से निकला है वो जेन्युइनली मैंने आप लोगों तक बताया। इसके आगे तो असली जज आप ही है, आप खुद आइए टेस्ट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। आप डेफिनेटली आगरा होटल आइए, रमजान के टाइम यहाँ पे आके खाइए और टेस्ट करिए, और आप खुद ही बताइए कि आपको कैसा फील आया, आप सच में इंजॉय करोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक फूड का एक जो फ्लेवर मिलता है ना, दैट इज गोइंग टू बी रेयर टू फाइंड इन ऑल द वैरायटी देयर, सो ट्रस्ट मी गाइस, डू विजिट आगरा होटल। अल्हम्दुलिल्लाह,
हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही अच्छा था, काफी बढ़िया लगा खाने का टेस्ट, जायका, ये सारी। उसके बाद हमने मेन कोर्स भी खाया, बहुत सारी चीजें ट्राई करी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले कई सालों से मैं अपने फैमिली के साथ आगरा होटल आ रही हूँ, क्योंकि ये एक ही ट्रस्टेबल रेस्टोरेंट मुझे लगता है। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ, ट्रस्ट के साथ आती हूँ कि यहाँ पे टेस्ट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और माशाल्लाह इतने सालों से हम तो बहुत ही खुश है, वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द सर्विस। और एक चीज, ये चीज बताओगी कि आप पुणे में किसी को भी पूछ लो कि आगरा होटल के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है, खाने की तारीफ तो होगी बट सबसे ज्यादा तारीफ इनकी सर्विस की है। मैं आपको बेट करती हूँ कि आप ऑर्डर देंगे तुरंत आपका खाना आ जाएगा, इनका सर्विस इतना फास्ट है। तो दैट इज रियली नाइस। एंड अभी हमारे सामने है कुछ मीठा हो जाए, गाजर का हलवा। तो अभी हम एंड करने वाले हमारा ये वीडियो विद सम डेजर्ट। चलो मुंह मीठा कर लेते हैं। तो कैसा लगा? वाओ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब सासे सादिया एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप सब इनकी तो बात सुन लो, अभी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।